अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब, एकदम आप लोग टाइम पास समझिए। ये रेसिपी टाइम पास इसका नाम हम रख रहे हैं। और ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया इसमें, हाफ टी स्पून इसके अंदर डाल दिए। बताइए क्या बना रहे हैं। ये देखिए कैसा इसको मिक्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाई है, एकदम खूब बढ़िया सी बनी है। देखिए आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। और ये देखिए, ये बनाया मैंने स्वीट पोटैटो फ्राइज बनाए हैं। और आप बोले ना ये क्या रेसिपी है, ये रेसिपी आप पूरी देखिएगा कि कैसी रेसिपी है। घर में आपने स्वीट पोटैटो कभी फ्राइज बनाए नहीं बनाए होंगे, और आप बनाइए जरूर, और हेल्दी भी है और अच्छे भी है। इसमें कितना विटामिन्स है, कितना फाइबर है, और खाने में भी अच्छा है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें और आलू में। और ये देखिए इसको हमने किस तरीके से इसको मिक्स कर दूंगी, ये मसालों को अच्छे से इसमें, जैसे बाजार में खाते हैं आप लोग कैसा उसमें मसाले मिक्स कर देते हैं, नमक लगा दिया इसमें, कोटिंग कर देंगे और मज़ेदार बन गए हैं। ये देखिए, चलिए इसको सर्व करती हूँ मैं। ये मैंने एक प्लेट ले ली है, इसके अंदर मैंने डिप डाल दिया है। और ये देखिए, ये फ्राइज को मैं सर्व कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे बने, एकदम खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। आप इसको बना लीजिए, बच्चों के टिफिन में रखिए, लंच बॉक्स में रखिए, और इसको आप कुछ बर्गर या फ्रेंच सैंडविचेस बनाते हैं उसके साथ में सर्व कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। कुछ ज़्यादा टेस्ट का तो फर्क है ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आलू ही है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अब इसको मैं खा के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह से। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बनाते हैं किस तरीके से हम लोगों ने बनाया और क्या चीज़ बनाई है। ये स्वीट पोटैटो हैं और इनका मैं आज फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ, और बहुत अच्छे रहते हैं, और इसमें बहुत फाइबर रहता है, बहुत ही हेल्दी रहते हैं, और थोड़ा सा ये स्वीट होता है और खाने में अच्छा लगता है। इसको बॉइल्ड करके भी खा सकते हैं और बेक करके भी खा सकते हैं और इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। आज मैं इसके फ्राई बनाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में। बच्चे लोग को जो खाने में दिया जाता है, कभी वो आलू देते हैं मैश करके उसके अंदर, चावल के अंदर, जैसे छोटे बच्चे जब खाने के वो होते हैं ना, उनको आठ महीने में खाना खिलाना सिखाते हैं, तो उनको जो है ये वो आलू मैश करके देते हैं, पोटैटो देते हैं, इसकी जगह पे स्वीट पोटैटो दे। इसमें बहुत ही फाइबर होता है, बहुत ही इसमें विटामिन इतने सारे रहते हैं इसके अंदर, इसके अंदर विटामिन ए होता है, B12 होता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, और काफ़ी फायदे का रहता है ये बच्चों के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। कभी टिफ़िन देते हैं, टिफ़िन के अंदर भी आप फ्राइड बना के उनको टिफ़िन में लंच बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, घर के बने हुए और अच्छे तेल के। इनको मैं अच्छे से, ये देखिए अभी ये मैंने इनको छील लिया अच्छे से, छीलने के बाद में मैं इनके फ्राइज के जैसे जैसे पीसेस बना लूंगी। थोड़ा सा कड़क होता है ये, लेकिन आसानी से बन जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब फ्राइज बनाऊंगी मैं इस तरीके से, इनके पीसेस करूंगी, खाने में भी अच्छे रहते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, और बनाइए फ्राइज आप घर में, बच्चों को दीजिए बना के खाने के लिए। बाहर से आप चिप्स ला के देते हैं बच्चों को, ये बच्चों के लिए फ़ायदे की चीज़ है, बड़े बच्चे सब खा सकते हैं, इसके अंदर बहुत फाइबर है, विटामिन्स है, और खाने में भी टेस्टी है, ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं है, खाने में भी हल्का सा स्वीट होता है, बहुत खाने में भी मज़ेदार होता है। विटामिन ए तो आंखों के लिए कितना अच्छा रहता है, आलू के खाते हैं, आलू के खाने से अच्छा ये खाइए। आप ऐसे इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्लाइसर से ऐसे इस तरीके से ग्रेट करके भी गोल गोल भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे फ्राइज लंबे ही कट कीजिए। देखिए
मैं इनको सबको इस तरीके से काट लूंगी। इसको रतालू भी कहते हैं, शकरकंद भी कहते हैं और स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। ये तो आजकल अब इनका सीजन चालू हो गया भाई, ये लोग इसको ठेले पे लगा के और सिकड़ी में भून भून के भी बेचते हैं। ऐसा नहीं कि ये अभी ये कच्ची में ही 100 रुपीज़ केजी मिली है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसके सारे पीस बना लूंगी। अभी देखिए सब मैंने कट कर लिया, कट करने के बाद में सबको मैंने पानी में डाल दिया। पानी में क्यों डाला है, क्योंकि ये काले नहीं हुए। अब मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा पानी में डालूंगी और थोड़ा सा धो लूंगी अच्छे से। अब ये जितने भी स्वीट पोटैटो थे इनको मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके पानी जितना था वो सब एक कपड़े में रख के और सुखा दिया। यहाँ पे झंगा नहीं थी इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया नहीं, और हल्का सा इसमें वो लगा दिए थे। ये देखिए पानी जरा भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दूंगी, हल्का हल्का सा, और इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, तेल गैस फास्ट है एकदम, और अभी इसको मैं फ्राई करूंगी। ऐसी हेल्दी चीज़ है, बच्चे लोग को घर में बनाना चाहिए और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। स्वीट पोटैटो लिया है माइक्रोवेव में, उसको बेक कर लें खा लें, नहीं तो बॉइल्ड करके खा लें। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें, सब्जी बना के खाइए आप। चलिए इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए तेल एकदम गर्म है, एकदम फास्ट तेल है मेरा। अब इसको मैं फ्राई करने डाल दूँगी। बहुत अच्छे से फ्राइज बनेंगे इससे। देखिए ऐसा फटाफट फ्राई होने लगे एकदम फास्ट। बच्चे लोग को तो बहुत ये सब फ्राइज वगैरह सो बहुत पसंद आते हैं, आप उनके लंच बॉक्स में डाल दीजिए साथ में जो भी चीज देते हो। थोड़ा सा गैस को स्लो करेंगे, ईमानदार तक अच्छे से पक जाए। अभी देखिए मैं इनको निकाल लूंगी, क्योंकि मैं इनको एक बार और वन टाइम हुआ है, एक टाइम और फ्राई करूंगी। उसके लिए इसको निकाल रही हूँ मैं और सेकंड डाल रही हूँ मैं। अब तेल को झाड़ के ऐसे निकाल लेंगे। अभी मैंने देखे इसके अंदर कलर नहीं आया, डार्क नहीं हुए हैं। एक राउंड और अभी फ्राई करेंगे इसको। तेल निकल गया, अभी सेकेंड राउंड और डालेंगे। ये देखिए गैस अभी भी फास्ट है, और इसको मैं एक दो ऐसे थे क्योंकि लास्ट कट करने के टाइम पे लंबाई में नहीं आ रहे थे, तो इनको मैंने कट लिया था फेंकने का नहीं। इसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे। गैस को इसी तरीके से फास्ट रखेंगे,
ये देखिए ये भी फ्राई हो गए, लेकिन ये हाफ डन फ्राई हैं। अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में फिर से दोबारा से इनको फ्राई करूंगी, जिसमें ये काफी अच्छे से एकदम क्रिस्पी और कड़क हो जाए। इनको मैं निकाल रही हूँ, गैस को बंद कर दे रही हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से फ्राई हो गए, ये हाफ डन हुए हैं। अभी इनको फिर से थोड़ा रुक के फ्राई करूंगी मैं, और पूरी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी एक टाइम मैं फ्राई कर चुकी थी, ये सारे फ्राइज है ना वो ठंडे हो गए, और तेल देखिए वापस से मैंने गर्म कर दिया, इनको फिर वापस से मैं फ्राई कर रही हूँ। अब जो फ्राई होंगे वो क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए अब क्रिस्पी होने लगे, ये इनका कलर भी बदलने लगा कितनी जल्दी से, सेकंड टाइम में एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, एकदम कड़क हो जाएंगे। ये देखिए इनका कलर देखिए कैसा ब्राउन हो गया। बस इसको मैं निकाल लूंगी, नहीं तो ये पूरे काले हो जाएंगे और कड़क हो जाएंगे सेकंड टाइम फ्राई करने से। इसको मैं पेपर नैपकिन पे डाल रही हूँ। गैस स्लो कर दी क्योंकि तेल बहुत तेज है, गैस बंद कर दिया, तेल झाड़ के सारा निकाल देंगे। और इनको भी मैं पेपर नैपकिन के ऊपर मैंने रख दिया है। देखिए बन गए, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इसी तरीके से बनाइए, एकदम कितना इजी और कितना आसान है। एकदम इतने सारे आप बाजार में लेने जाएंगे पटेटो को लेके आते हैं आलू के, तो वो कितने महंगे होते, मैकडोनल्ड वगैरह में खाते हैं तो कितना उनका प्राइस ज़्यादा होता है। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।